और ये उनके टूटे हुए घर की टूटी हुई खिड़की की फोटो है। पुलिस को कुछ गलतफहमी हुई और पुलिस ने इनको और इनके दोस्तों को उठा लिया था। उसको देखने के तुरंत बाद इंटरनेट पर सर्च किया था कि यार ये बंदा है कौन, और तब मैंने पहली बार जाना था मानव कौल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव कौल जी के बारे में। मानव कौल जी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब भी मैं उनके बारे में अपने दोस्तों को बताता हूँ तो वो उनकी तस्वीर देखते ही बोलते हैं, अरे यार इसे तो मैं जानता हूँ, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। और जो लोग उनका नाम भी जानते हैं और उनको पहचानते हैं वो ये बहुत कम जानते हैं कि वो थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और वो बहुत सारे प्लेस लिख चुके हैं, उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं और उनके लिखे गए प्लेस को बहुत सराहा जाता है और पूरी इंडिया में उनके प्लेस के शोज़ होते हैं। और उसके बाद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मानव कौल जी बहुत ही उम्दा लेखक है और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी कलाकार है, अदाकारा, सिर्फ मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टर्स भी, सिंगर्स भी, जो भी आप फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं वो लिखते बहुत कम हैं। बहुत कम ऐसे लोग रहे हैं जिनका फिल्मों में जो करियर है और लेखन में जो करियर है वो दोनों चलता रहा हो। और लेकिन मानव कौल जी इस परंपरा को तोड़ते हैं। वो एक बहुत उम्दा कलाकार तो है ही, लेकिन बहुत बेहतरीन लेखक भी हैं और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 10 किताबें लिख दी हैं। जी हाँ, 10 किताबें, 9 किताबें आपको यहाँ दिख रही होंगी। और उनकी जो लेटेस्ट किताब आई है तितली, वो भी मैंने ऑर्डर कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी 9 किताबें मेरे पास हैं और 10वीं ऑर्डर कर दी है। इसका मतलब उनका लिखा मुझे बहुत पसंद आता है, उनका लिखा मेरे अंदर उतरता है। तो एक कलाकार जो एक्टर है और उसके बाद में थिएटर्स के लिए वो प्ले लिखता है और वो डायरेक्ट भी करता है और वो किताबें लिखता है और 10 किताबें लिख चुका है और वो नेशनल लेवल के स्विमर भी रह चुके हैं, तो एक इंसान जो इतना हरफन मौला है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसीलिए आज का वीडियो बनाया है। चलिए जानते हैं मानव कौल जी के बारे में। मानव कौल जी का जन्म 19 दिसंबर 1976 को कश्मीर के बारामूला इलाके में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1990 के आसपास कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उन्हें वहाँ से पलायन करना पड़ा था, तो मानव कौल जी के परिवार को भी कश्मीर छोड़ना पड़ा और फिर वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद इलाके में आके रहने लगे थे। मानव कौल जी ने जब कश्मीर छोड़ा था तब वो सिर्फ 4th क्लास में थे, तो वो कश्मीर से दूर भले ही हो गए पर कश्मीर उनसे कभी भी सही मानों में छूट नहीं पाया। और वो अपनी लगभग हर किताब में कश्मीर का जिक्र तो ज़रूर करते हैं। और अभी उन्होंने पिछले साल कश्मीर के अपने यात्रा वृतांत पर एक किताब रूह भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में जी भर के लिखा है और बहुत खूबसूरती से लिखा है और मुझे ये किताब बहुत पसंद आई थी, मैं इसे पढ़ चुका हूँ। खैर, वापस लौटते हैं उनकी ज़िंदगी की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत छोटी ही उम्र में उनको कश्मीर और अपना घर बार छोड़ना पड़ा था और फिर होशंगाबाद में आके रहना पड़ा था, तो इसीलिए यहाँ पर उनके नए दोस्त ने बहुत मुश्किल से बने थे और उनका जो बचपन है वो बहुत बहुत अकेलेपन में बीता। और ये उनकी लगभग हर कहानी में और हर किताब में देखने को मिलता है कि अकेलेपन से जूझता है किरदार। और वो बताते भी हैं कि जब वो अपना घर छोड़कर यहाँ होशंगाबाद में आए तो वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने एकदम से उन्हें नहीं अपनाया, क्योंकि एक रीज़न तो ये भी था कि मानव कौल जी उन बच्चों के लिहाज से बहुत ज़्यादा गोरे थे और इसीलिए मानव कौल जी ने एक सर्वाइवल मैकेनिज्म अपनाया कि वो कई दिन तक नहाते नहीं थे ताकि वो उन बच्चों के जैसे दिखे और वो बच्चे उन्हें अपना लें। वो बहुत अच्छे तैराक भी थे और उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चैंपियनशिप जीती थी। और अगर सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 14 मेडल जीते थे और वो इतने अच्छे तैराक थे कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स कोटे में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का न्योता आया था, मगर उन्होंने वो सरकारी नौकरी लेने से मना कर दिया क्योंकि तब तक उनका मन थिएटर की दुनिया में जम चुका था। और वो बहुत अच्छे डांसर भी थे और इनफैक्ट वो वहाँ पर होशंगाबाद में अपने घर के आसपास एक डांस एकेडमी भी चलाते थे जिनमें वो बच्चों को डांस करना सिखाते थे। तो वो इतनी सारी चीज़ों में अच्छे थे। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो को मैं तोड़ दूं कि पहले मैं फिल्मों की बात करूं, फिर मैं प्लेस की बात करूं, फिर मैं किताबों की बात करूं। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, भीष्म साहनी जी वाले या निर्मल वर्मा जी वाले या मनु भंडारी जी वाले, तो उनमें मैं पहले जैसे उपन्यासों की बात करता था, फिर प्लेस की बात अलग करता था, कहानियों की बात अलग करता था, और अगर किसी ने कविता लिखी है तो उसकी बात अलग करता था। पर मानव कौल जी के बारे में ना ये सब चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं और वो अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर कहते भी हैं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वो अच्छे एक्टर इसीलिए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे, वो बहुत मेहनत से राइटिंग करते हैं और वो बहुत मेहनत से डायरेक्शन करते हैं, शायद इसीलिए वो उनकी एक्टिंग में दिखता है। और
क्योंकि वो जो एक्टिंग है वो इतना सघन काम है, तो इसीलिए जब वो लिखते हैं तो उसमें उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है, और वो घूमते भी हैं तो घूमने का भी उन्हें फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा आपने इन सारे कामों में। तो इसीलिए मेरा जो ये वीडियो है वो भी ये सब ना एकदम सारी चीज़ें लिंक रहेंगी। फिल्मी दुनिया में अगर उनके डेब्यू की बात करें तो उनकी पहली बड़ी फिल्म थी जजंत्रम ममंत्रम। हालांकि इसके पहले वो सनी देओल की फिल्म चैंपियन और शायद एकाध गोविंदा की फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम कर चुके थे, और अगर आपने देखा हो तो सीआईडी के बहुत सारे एपिसोड्स में वो आते थे। बहुत सारे सीआईडी के एपिसोड्स में आपको मानव कॉल देखने को मिलेंगे। अपने जजंत्रम ममंत्रम वाले दौर का जिक्र करते हुए वो अक्सर बताते हैं कि ये फिल्म करने के बाद उन्हें लगा कि शायद वो फिल्मी दुनिया के लिए अभी रेडी नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने फिर थिएटर की दुनिया का रुख कर लिया। और वहाँ पर भी जो प्लेस हो रहे थे ना वो एकदम डर्रे पे हो रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्लेस खुद लिखूंगा, और इन्होंने प्लेस लिखने शुरू किए। और फिर 2004 में इन्होंने अपनी एक थिएटर कंपनी स्थापित की आरण्य नाम से, और इसका भी नाम उन्होंने निर्मल वर्मा जी की किताब अंतिम आरण्य से प्रेरित होकर लिया। ये उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है। और फिर 10 साल तक वो थिएटर की दुनिया में रमे रहे। इस बीच उनकी छोटी मोटी फिल्म जैसे दाएं या बाएं या फिर 1971 आपने देखी होगी फिल्म, उसके अंदर भी उन्होंने किरदार किया था। हाँ, वो फिल्में आई, और लेकिन 2013 में आई फिल्म काई पोचे, जिसने इन्हें ख्याति दिलाई और जिसके नाम से मानव कौल को सब जानने लगे, और समय के पहिए ने एकदम से अपनी चाल बदल दी। और ये भी अपनी पहली फिल्म काई पोचे को ही बोलते हैं। और उसके तुरंत बाद आई सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में भी इनके काम की खूब प्रशंसा हुई थी। और मुझे आज भी याद है जब मैंने सिटी लाइट्स देखी थी तो मैंने उसको देखने के तुरंत बाद इंटरनेट पर सर्च किया था कि यार ये बंदा है कौन, और तब मैंने पहली बार जाना था मानव कौल के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ था, और उसके बाद तो ये आखिरी बार ही चल रहा है अब तक तो, कि किसी फिल्म में राजकुमार राव हो और उसमें कोई और एक्टर उस पर भारी पड़ गया हो। मैं राजकुमार राव का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उस फिल्म में मानव कौल के सीन में आते ही फिल्म एकदम से लिफ्ट हो जाती थी। और उसके बाद में मुझे जो उनकी एक और फिल्म बहुत प्यारी लगती है वो है तुम्हारी सुलू, और बहुत प्यारी फिल्म है। और उस फिल्म को देखकर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये जो मानव कौल का किरदार है, मैं जो ये बंदा ये किरदार निभा रहा है मैं इसे जानता भी हूँ, मैंने पहले किसी फिल्म में उसे देखा भी है। इतनी शानदार तरीके से उन्होंने ये किरदार निभाया था, और वो जो गाना था बंजा तू मेरी रानी, जान छिड़कता हूँ उस गाने के ऊपर। उसके बाद आज तक का जो मुझे उनका सबसे अच्छा काम लगता है वो है अजीब दास्तान में जो छोटी सी कहानी थी उनकी, वो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको उसके बारे में। अगर आपने अजीब दास्तान में मानव कौल और शेफाली शाह की वो जो छोटी सी कहानी है वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ के आप उसे देखिए, और आप कायल हो जाएंगे, आप मुरीद हो जाएंगे दोनों की एक्टिंग स्किल्स की। और ये फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जब भी मैं बोर हो रहा होता हूँ या मुझे लगता है कि यार क्या करूँ, तो फिर मैं ये फिल्म देखने बैठ जाता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपको ये समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना चाहिए तब वो आप वो काम करो जिससे आपको बहुत अधिक प्रेम है। तो इसीलिए या तो मैं मानव कौल की ही या निर्मल वर्मा जी की कोई कहानी लेके बैठ जाता हूँ, और या फिर मैं अजीब दास्तान का ही जो छोटा सा पार्ट था ये देखने बैठ जाता हूँ। एक चीज़ और जो मुझे एक एक्टर के तौर पर इनमें अच्छी लगती है वो ये कि इनके लगभग सभी किरदार ग्रे जोन में होते हैं, वो बहुत अच्छे या बहुत बुरे किरदार नहीं होते हैं। जैसे अगर सिटी लाइट्स में इनके किरदार की बात करें तो सच में उस फिल्म को देखते वक्त समझ में नहीं आता कि ये बंदा सच में राजकुमार राव की हेल्प करना चाहता है या इसे फंसा रहा है। और वो बताते भी कि जब उन्हें रोल मिला था तो एकदम फ्लैट रोल था, लेकिन उन्होंने हंसल मेहता को बोला कि यार मैं थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से लिखूंगा और अपने हिसाब से एक्ट करूंगा। और हंसल मेहता क्योंकि इतने अच्छे डायरेक्टर हैं तो उन्होंने बोला कि तेरे को जो समझ में आए तू कर, क्योंकि वो भी जानते थे कि भाई थिएटर से आया है और इतना जाना माना नाम है थिएटर में। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब भी वो आते थे पर्दे पर तो वो सीन एकदम से लिफ्ट हो जाता था। ऐसे ही अगर आप तुम्हारी सुलू फिल्म को देखें तो वो अपनी वाइफ की हेल्प तो करना चाहता है और वो करता भी है, उसे वो बहुत एनकरेज भी करता है, लेकिन जब वो थोड़ी सक्सेसफुल होती है तो वो थोड़ा एनवी भी रहता है। और ऐसा ही तो होता है ना, कोई भी एकदम से अपनी वाइफ को दबा के रखे ऐसा भी नहीं हो सकता, और कोई एकदम से अपनी वाइफ की जो सक्सेस है उसे बिल्कुल भी एनवी नहीं आए ये भी मुमकिन नहीं है। और उनका किरदार उस फिल्म में देख के लगता भी है कि ये अच्छा है कि बुरा है आदमी, और ये लगभग उनके हर किरदार में देखने को मिलता है, और वो इस चीज़ को अच्छे से निभा भी देते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, और आई थिंक दैट इंडस्ट्री इज़ रियली लकी, बहुत खुशकिस्मत है इंडस्ट्री और हम लोग कि मानव कौल जी यहाँ पर हैं, राजकुमार राव जैसे लोग हैं। और मुझे लगता है कि राजकुमार राव और मानव कौल जैसे लोग भी खुशकिस्मत है, आयुष्मान खुराना जैसे लोग भी, कि ये दौर है इंडस्ट्री का जब ऐसी फिल्में बन रही हैं।
वरना अगर यही लोग 20 साल पहले होते 90 के दशक में या तब होते तो शायद इन्हें काम मिलता भी नहीं। अब अगर उन लेखकों की बात करें जिनसे वो प्रभावित रहते हैं तो वो बताते हैं कि चार्ल्स बकोस्की, निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, फ्योदोर दोस्तोवस्की, कोएट्ज़ी, कामू और फ्रेंस काफ्का, आई थिंक वो पामुक का भी नाम लेते हैं, कि ये वो राइटर हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और उन पर चेक लिटरेचर का बहुत प्रभाव रहा है। और इसमें भी निर्मल वर्मा जी का हाथ है, क्योंकि निर्मल वर्मा जी, मैंने अपने वीडियो में जो निर्मल वर्मा जी पर मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि वो कई सालों तक वो प्राग में रहे थे, चेकोस्लोवाकिया में रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने जो चेक साहित्य है उसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो चेक साहित्य की जो हिंदी में अनुवादित हैं, और बताते हैं मानव कौल जी की उस समय पर वो किताबें 10-10 रुपये में उनको मिल जाती थी और वो खूब भरपूर पढ़ते थे उनको। और उनका जो एक प्ले है रेड स्पैरो, उसमें निर्मल वर्मा जी या दोस्तोवस्की के रेफरेंसेस भरे पड़े मिलते हैं आपको। उन्हें घूमना बहुत पसंद है और वो अक्सर कुछ महीनों का ब्रेक लेकर पहाड़ों पर घूमने चले जाते हैं, और वो बताते हैं कि उन्हें पहाड़ों से और पानी से बहुत लगाव है और उन्हें फिल्मी दुनिया से बाहर के लोगों से मिलना बहुत पसंद है। ये उनकी राइटिंग में भी दिखता है। जब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि कोई इंसान एक बेकरी चला रहा है या चाय की टपरी चला रहा है, कॉफ़ी शॉप चला रहा है, बुक शॉप चला रहा है, छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, पर उनकी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प है और जब वो उनसे बात करते हैं तो बहुत दिलचस्प किस्से निकल के सामने आते हैं। अगर आपने अब तक उनकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब से शुरू करें, तुम्हारे बारे में। ये किताब, इसके बारे में मानव कौल जी खुद लिखते हैं कि न कहानी न कविता, इसमें सिर्फ छोटे छोटे किस्से हैं जो एक पेज का है, कोई आधे पन्ने का है, और ना कहीं शुरुआत है ना ही कहीं ख़त्म होता दिखता है वो किस्सा, और बहुत खूबसूरत है। और ये मेरे ख्याल से, जैसे कि वो हमेशा बोलते हैं कि वो हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, चाहे उनके रोल्स हैं चाहे उनके प्लेज हैं, और इसी तरह से ये किताब भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिखी गई है कि इसमें ना कोई कहानी है ना कोई कविता है, सिर्फ किस्से हैं आधे पेज के एक पेज के, पर बहुत शानदार हैं, बहुत दिलचस्प हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। और मैं कुछ आपको छोटा मोटा इस किताब से पढ़ के सुनाता हूँ। क्या तुम कभी प्राग गई हो? अगर जाओ तो वहाँ काफ्का की कब्र पर जरूर जाना और वहाँ सुनना उस खामोशी को जो बहुत थक कर चूर हो जाने से गहरी नींद के बाद बिस्तर की सरवटों में रह जाती है। वहाँ सपने नहीं हैं, बस एक ठंडी चुप है। तुम उस कब्र पर कुछ छोड़ आना, सुना है छोटी हुई चीज़ों की जड़ें उगाती हैं। जब कुछ बहुत बुरा अपने चरम पर घट रहा होगा, क्या तब तुम सिरहाने आकर अपने कोमल हाथ माथे पर फेर कर जगा दोगी? क्यों हम किसी के खो जाने के ठीक पहले तक उसे बता नहीं पाते कि हम उसे कभी खोना नहीं चाहते हैं? अगर हम सब क्षणिक हैं तो तुम जीवन हो, क्या कभी मिलोगी नहीं इस घड़ी के बंद होने से पहले? हमारी जीत के किस्से कितनी ही बार हमने लोगों को सुनाए हैं, और सारा कुछ सुनाने के बाद हम हर बार चुप हो जाते हैं। जीत की कहानियाँ खत्म होते ही खोखली लगने लगती हैं, जीत की परत हटते ही हारा हुआ ताकता दिखता है और हम तुरंत महफिल छोड़ देते हैं। हमारा जीवन बाहर के लोगों को एक सुंदर घर दिखता है। इन्हीं सुंदर घरों के स्टोर रूम में कहीं पीछे की तरफ हमने अपनी हारें छिपा रखी हैं। हम जिस भी चीज़ को छुपा कर रखते हैं वह हमेशा हमारे लिए बहुत निजी हो जाती है, कुछ बहुत अपनी सी। जीत कितनी पराई है और हार कितनी अपनी। और अगर आप कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं तो मानव कौल जी की तीन किताबें हैं, प्रेम कबूतर, ठीक तुम्हारे पीछे और चलता फिरता प्रेत। इन तीनों किताबों में मानव कौल जी की कहानियों के संकलन हैं और बहुत ही उम्दा, बहुत शानदार कहानी है। मैंने ये तीनों किताब पढ़ी हुई हैं, और प्रेम कबूतर की जो प्रेम कबूतर वाली कहानी है वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है और ये भी मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। तो अगर आप कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं तो इन तीनों किताबों में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैं आपकी दिलचस्प बात बताऊं तो बहुत सालों बाद, लगभग 27 साल बाद, जब मानव कौल जी कश्मीर दोबारा अपने घर गए थे तो 2005 में अर्थक्वेक आ गया था, तो उससे उनका घर टूट चुका था जब वो वापस गए 2015 के आसपास अपने घर। तो वहाँ पर उन्होंने जाके देखा तो उनका घर पूरा टूट चुका था, और वहाँ पर उस घर के अंदर उन्होंने एक खिड़की की फ़ोटो ली थी, वो ये फ़ोटो है। तो इस किताब का जो कवर है ये फ़ोटो मानव कौल जी ने ही अपने फ़ोन से ली थी, और ये उनके टूटे हुए घर की टूटी हुई खिड़की की फ़ोटो है। और अगर मेरी पसंदीदा किताब की बात करूँ तो वो है बहुत दूर कितना दूर होता है। इस किताब के पन्ने मैं अक्सर पलटता रहता हूँ, और अगर कभी आप मेरे घर पर आएँ तो हो सकता है कि मैं इस किताब के पन्ने पलटता हुई आपको मिलूँ। बहुत शानदार किताब है ये, उनका यूरोप का यात्रा वृतांत है। और इस किताब में ये नहीं लिखते
कि वो यूरोप में कहाँ गए थे और वो किन जगहों पर गए, उन्होंने क्या देखा। वो जब उन जगहों पर गए और जब वो चीज़ें वो देख रहे थे तो उनके भीतर क्या घट रहा था, इस किताब में उन चीज़ों का जिक्र है। यानी कि जो असली यात्रा है वो अंदर की है। इससे भी मैं कुछ छोटा मोटा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यह समाज अकेले आदमी की कल्पना ही नहीं करता है। आपको इसका ज़्यादा अंदाज तब होता है जब आप किसी टूरिस्ट जैसी जगह पर फंस जाते हैं। किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में भी जाओ तो वेटर एक बार आकर जरूर पूछता है कि इस समय ज्वाइनिंग यू सर, आपके मना करते ही उसका चेहरा उतर जाता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सड़क पर खाना खाऊं या छोटे होटल में जाऊं, ताकि उनको मेरे अकेले आने पर ज़्यादा पछतावा ना हो। पहले पहले एक हड़बड़ी मची रहती थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए, मैंने सब देख लिया कि नहीं। सारी पसंद वाली नापसंद वाली जगहों पर कूद कूद कर जाता था, उसमें से आधी चीज़ें याद भी नहीं रहती थी। आधी क्या, लगभग चीज़ें याद नहीं रहती थी। अब थोड़ा काम हो गया हूँ, अब लगता है कि मैं बस इन सब में से गुज़र रहा हूँ। ये सब पहले भी था और आगे भी रहेगा। अब मैं सिर्फ उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ बहुत मन होता है और वहाँ बैठकर लिखता हूँ, जहाँ मेरा लेखन मुझसे बैठकर बातें करता है। अब जब लगभग सारी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं तो मैं आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बेहद रोचक किस्सा बताता हूँ कि जब वो नए नए मुंबई आए थे 1997 में, तब उन्हीं दिनों टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार जी की भी हत्या हुई थी और न जाने किन कारणों से पुलिस को कुछ गलतफहमी हुई और पुलिस ने इनको और इनके दोस्तों को उठा लिया था और इन्हें लॉकअप पे बंद रखा था। इनसे पूछताछ करी थी और लगभग पूरी रात लॉकअप में रखने के बाद और बहुत पूछताछ करने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि ये लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ में लिप्त नहीं हैं, ये लोग इंक्लूडेड नहीं हैं, और फिर इन्हें छोड़ दिया गया। तो मानव कौल जी इस बात का अक्सर जिक्र भी करते हैं कि अब जब याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है, पर उस दिन तो बहुत डर गया था कि न जाने क्या ही होगा, अभी नया नया मुंबई में आया हूँ और आते ये कांड हो गया। तो खैर, ये था मेरा वीडियो। और अगर आपको निर्मल वर्मा जी वाला वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी मैं एक कार्ड लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर किसी और इम्पॉर्टेंट राइटर का आप चाहते हैं कि उन पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं खुद चाहता हूं कि जो और हिंदी के अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उन पर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊं। तो अगर आपके कोई पसंदीदा राइटर हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइए। और अगर आपकी कोई पसंदीदा किताब है जो आप चाहते हैं कि मैं भी पढ़ूं और मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर भी बनाऊंगा। और जब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको शाउट आउट दूंगा कि आपकी वजह से मुझे इस किताब के बारे में मालूम चला और मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए, जल्दी मिलता हूँ आप सबसे मेरे नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।